But I still go for I can't get you to live without, live without, live without you. तो दोस्तों फाइनली जेट से लामा की तरफ से आ रही है बहुत ही अच्छी खबर। हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जेट से लामा सारे गामपा में रॉकिंग परफॉर्मेंस देती हैं। अब दोस्तों जेट से लामा का नया सॉन्ग आने वाला है और दोस्तों जेट से लामा अपने नए सॉन्ग से पूरी इंडिया में ही तहलका मचाने वाली हैं। हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सारे गामपा में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जेट से लामा ही हैं और जेट से लामा की सिंगिंग भी बहुत ही बेहतरीन है और ये जब गाती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा सिंगर गा रहा हो। ऐसे में दोस्तों जेट से लामा को सॉन्ग का बहुत ही बड़ा ऑफर मिल चुका है और दोस्तों जेट से लामा का नया सॉन्ग भी आने वाला है। अगर दोस्तों बात करें कि जेट से लामा का नया सॉन्ग किसके साथ आएगा और कब आएगा, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जेट से लामा हिमेश रेशमिया की एल्बम में अपना सॉन्ग लेकर आ सकती हैं, क्योंकि दोस्तों हिमेश रेशमिया ही छोटे सिंगरों को मौका देते हैं। ऐसे में दोस्तों सोशल मीडिया पर भी खबरें चल रही हैं कि हिमेश रेशमिया जेट से लामा को अपनी एल्बम में गाना गाने का ऑफर दे सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है कि जेट से लामा का सॉन्ग हिमेश रेशमिया की एल्बम में पक्का आएगा ही, लेकिन दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हिमेश सर जेट से लामा को अपनी एल्बम में गाना गाने का चांस दे दें, क्योंकि दोस्तों हिमेश रेशमिया ही छोटे से छोटे सिंगरों को अपनी एल्बम में गाना गाने का चांस देते हैं। इसलिए दोस्तों जेट से लामा के फैंस चाहते हैं कि जेट से लामा का कोई नया सॉन्ग आए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जेट से लामा अपना नया सॉन्ग लेकर आ सकती हैं अगर हिमेश रेशमिया जेट से लामा को चांस दे दें तो। तो दोस्तों आप क्या कहते हो, क्या आप ही मानते हो कि हिमेश रेशमिया को जेट से लामा को चांस देना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताओ।